Hello everyone! Welcome back to my channel. It has been a long time that I have not posted any kind of video. So in this video, I am going to discuss about the eligibility criteria for the MNS 2024 exam because many of you were asking that ma'am, please tell me the eligibility criteria. So in this video, I am going to discuss the eligibility criteria, and in the next video, I will discuss the marks required for the MNS exam. Okay, need marks. So let's just start notification released by the Indian Army. So, like I have taken the screenshot of some clips from the notification and I have introduced in the slides so you can watch that what are the criteria that you need to fulfill. So let's just start. So the first one and the most important one is and it is mandatory also for the all the candidates, like they have mentioned also for the all ऑल द कैंडिडेट दि ऑफ सीकिंग एडमिशन टू बी एस सी नर्सिंग एट एफ एम सी फर्स्ट माने क्वालीफाई नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्ज एग्जाम कंडक्टेड बाई एन टी ए दिस ईयर मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नीट का आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म डाला या फिर आपने सिर्फ नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है यू नीट टू क्वालिफाई मतलब उनका जो ऑफिशियली कट ऑफ रहता है ना जैसे लास्ट ईयर वन सेवेंटी फाइव वन एटी समथिंग कुछ था तो इतने मांग तो एटलीस्ट आपको चाहिए ही चाहिए मतलब तो आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है ठीक है सेकेंड वन इज़ रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी डॉट नीट डॉट इन मतलब अभी एम एन एस के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं बट जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो तो आपका नीट का क्वालिफाई करना जरूरी है एंड सेकेंड इज़ कि आपको एम एन एस का फॉर्म फिल करना पड़ेगा ठीक है तो उसके लिए जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस वालों के लिए टू हंड्रेड फीस है एस सी एस टी वालों के लिए कोई फीस नहीं है ठीक है तो जैसे ही आपके वो और एम एन एस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज होता है जैसे ही आपका नीट का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ठीक है थर्ड वन इज अपियर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट द बेस हॉस्पिटल डेलीकेंट उसके बाद में जैसे ही वो कराएंगे मतलब एम uh, एन का जो भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो कुछ कैंडिडेट को उनको बुलाते हैं वो बेस हॉस्पिटल डेलीकेंट दैन उनका होता है इंटरव्यू मेडिकल एंड जो भी वहाँ पे प्रोसीजर्स होती हैं वो अलग होती हैं वहाँ पे ठीक है ये होगी कुछ कंडीशन नाउ कम टू द पॉइंट कि एलिजिबिलिटी कौन और कौन कौन सी हैं तो द फर्स्ट वन इज फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमेरिड डाइवोर्सड लीगली सेपरेटेड विडो विदाउट इनकम्रेंसेज मतलब कि अनमेरिड होने चाहिए अगर अनमेरिड नहीं है मतलब जैसे कोई मेरिड हो चुका है और अगर उसने डाइवोस ले लिया है ऑफिशियली ठीक है उसके पास पेपर्स वगैरह हैं तो वो भी ये एग्ज़ाम दे सकती हैं ठीक है लीगली सेपरेटेड जो होती हैं उनकी बात कर रहा है ये विडो भी दे सकती हैं ठीक है नेक्स्ट है कि आपको आपकी जो नेशनैलिटी होनी चाहिए वो सिटीजनस ऑफ इंडिया की होनी चाहिए मतलब आप इंडियन होनी चाहिए कोई बाहर की कंट्री का या फॉरेन कोई कैंडिडेट ये इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है थर्ड वन इज़ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लाई करना चाहिए वन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन से लेके थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवन के बीच में ठीक है मतलब एक अक्टूबर उन्नीस सौ निन्यानवे के बाद में और तीस सेप्टेम्बर दो हज़ार सात तक के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करनी चाहिए अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट इज़ कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आता है वो कितना होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्टली आप ट्वेल्थ अपियर हैं अपियरिंग है मतलब इसी साल आपने अगर बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो वो बच्चे भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और जिन्होंने ट्वेल्थ पास कर लिया है वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं ठीक है अगर किसी ने बीएससी या एमएससी कर लिया है तो वो भी ये एग्ज़ाम दे सकता है अगर आपकी एज जो है वो गिवन एज के क्राइटेरिया के अंदर आ रही है तो ठीक है वैसे तो बी एस सी कैंड मतलब जिन्होंने बी एस सी नर्सिंग ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए एक और एग्जाम होता है इंडियन आर्मी में एम एन एस 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 सी करके जो अभी हुआ है जनवरी में उसका रिजल्ट भी आ गया मतलब उसका मेडिकल इंटरव्यू सब हो गया और बच्चों का रिजल्ट भी आ गया ठीक है तो लेकिन ये स्पेशली टेन प्लस टू वाले कैंडिडेट के लिए क्योंकि ये बी एस सी नर्सिंग का कोर्स कराते हैं वहाँ पर ठीक है तो टेन प्लस टू वाले बच्चे ये दे सकते हैं ठीक है और उनके लिए ये मैंडेटरी है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होने चाहिए तो वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉडी जोलॉजी एंड इंग्लिश नॉट लेस देन फिफ्टी परसेंट एग्रीकेट मार्क्स मतलब आपको एटलीस्ट आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में और इंग्लिश में एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो होने ही चाहिए आपके अगर इससे कम है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकती हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए मेडिकल फिटनेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंडियन आर्मी सो यू नीड टू फिट एंड यू नीड टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी सो लेट जस्ट है लुक ऑन दिस सो दर्स्ट वन इज देट इफ़ यू फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए वन फिफ्टी टू सेंटीमीटर ठीक है मतलब जनरली अगर आप नॉर्थन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो हिली एरिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हैं तो उनकी मिनिमम हाइट वन फोर्टी सेवन तक भी वो अलाउड कर देते हैं ठीक है फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि एज हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं तो वो मिलता है सिर्फ जब कैंडिडेट की हाइट जो है वो मतलब कैंडिडेट की जो एज है वो अठारह साल से कम है मतलब इफ़ एनी वन ऑफ यू आर बिलो एटीन ईयर्स और अगर आपका एक दो सेंटीमीटर मतलब से, और वो रिलैक्सेशन भी कितना है सिर्फ दो सेंटीमीटर का ठीक है जैसे ये मैं बता देती हूँ जैसे कोई बच्चा है कैंडिडेट है जिसकी एज है सेवनटीन ईयर्स ठीक है और उसकी हाइट है वन फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है और वो कैंडिडेट ना तो हिली एरिया से है और ना ऑन नॉर्थ ईस्टर्न में जो स्टेट आते हैं उनसे है तो उसको ये दो सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दे देते हैं ठीक है क्योंकि उसकी हाइट एक तो वन फिफ्टी सेंटीमीटर उसको मिल सकता है ना दो सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इसलिए उसको मिल जाएगा ठीक और अब आते हैं एस सी एस टी वालों का क्योंकि आप लोगों को पता है कि एस सी एस टी का और एन सी सी वालों का रिजर्वेशन होता है एम एन एस के अंदर तो उनके लिए भी उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो एस सी एस टी का है तो उसके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए एस सी एस टी वाला उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो और ये जो है सर्टिफिकेट वो किसी ना किसी मजब जो फर्स्ट रैंक के जो जैस वो होते हैं ना ऑफिसर्स उनके द्वारा होने चाहिए जैसे मजिस्ट्रेट हो सकते हैं तहसीलदार हो सकते हैं सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द एरिया जैसे हो सकते हैं तो उनका स्टाम्पोर्स पर होना चाहिए और आपका वैलिड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है ये आपको लेके जाना होता है आपके इंटरव्यू के टाइम पर हो सकता है कि शायद आपका मतलब मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती हूँ तो मुझे पता नहीं है कि शायद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी आपको वो लगाना पड़े ठीक है ना कम टू द कि एन के कैंडिडेट अगर आप एन सी क्वालिफाइड हैं अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है अगर ए और बी है तो उसको भी लेके जाना उसके भी कुछ एडिशनल मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं सी वालों के लिए ऐसा है कि फिर आप उस रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में फॉलो हो जाते हैं जो एन सी सी होते हैं ना ट्वेंटी फाइव सीट रिजर्व हैं एन सी सी कैंडिडेट के लिए ठीक है तो ये सारी कंडीशन थी जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आती हैं तो ये आपको फुलफ़िल करनी होंगी आप इनको पहले एक बार देख लेना एम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आप ये जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल ही ना कर पाओ है ना तो एक बार ये जरूर है जरूरी है मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जो कि मैंडेटरी हैं इसके अलावा कुछ और नहीं बचा है अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आई विल एक्सप्लेन You every single doubt. So that's all for today and and share this video to the other candidate also who has given their need exam.